संदीप महेश्वरी सर आप लोग को पता ही होंगे, अपने फील्ड के बादशाह हैं, और विवेक बिंद्रा सर भी वह भी खलनायक के महानायक हैं अपने फील्ड का। दोस्तों दोनेश्वरी का उनका जिम्मेवारी है हर एक नागरिकता पे, और उनको पता है कि गरीब आदमी ना दोस्तों 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए का जो कोर्स बेच रहे हैं वो कहाँ से लोग पैसे लाते हैं। आदमी ब्याज पे लेके दोस्तों अपना कोर्स खरीदते हैं, जब कुछ भी कर दोस्त की हम ये ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, लेकिन दोस्तों होता कुछ भी नहीं है। कहावत है, 1 रुपया जो मेन होगा ना मालक वो कमाएगा, 12 ना कमाएगा 58 कमाएगा, और जो 5 पैसा एक नया होगा ना उसको पारा कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों हमारा न्यू ब्लॉग्स में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बना रहे हैं क्या दोस्तों? आज हम लोग तो मटर आलू बनाएंगे, लेकिन दोस्तों आज वो वीडियो नहीं है। आज दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा दोस्तों कि हमारे यूट्यूब पे क्या चल रहा है, बिल्कुल जंग छिड़ा हुआ है दोस्तों। बस उसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों इतना हम देख रहे हैं वीडियो ना, हम नहीं सोच रहे थे दोस्तों इस पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इतना सोच रहे हैं दोस्तों, इतना वीडियो आ रहा है क्या बताएं। क्योंकि दोनों भाई अपने अपने फील्ड के महानायक हैं, संदीप महेश्वरी सर आप लोग को पता ही होंगे अपने फील्ड के बादशाह हैं, और विवेक बिंद्रा सर भी वह भी खलनायक के महानायक हैं अपने फील्ड का। दोस्तों दोनों अपने अपने फील्ड का बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों। देखिए अगर किसी का दोस्तों पैसा जाता है ना तो दिक्कत जरूर होता है किसी को भी, समझ गए। संदीप सर अपने जगह सही है और विवेक बिंद्रा सर अपने जगह सही है, तो इनमें किसका गलती है क्या है वो लोग आप लोग दोस्तों खुद कमेंट करके बताइएगा। क्यों देखिए दोस्तों उनका भी एक अपना बिजनेस है, और संदीप महेश्वरी का उनका जिम्मेवारी है हर एक नागरिकता पे, और उनको पता है कि गरीब आदमी ना दोस्तों 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए का जो कोर्स बेच रहे हैं वो कहाँ से लोग पैसे लाते हैं। आदमी ब्याज पे लेके दोस्तों अपना कोर्स खरीदते हैं, जब कुछ भी कर दोस्तों कोर्स खरीदते हैं। दोस्तों हमें भी आया था कि दोस्तों आप 15,000 रुपये दीजिए, आपको कोट पैंट पता नहीं क्या क्या मिलेगा दोस्तों। अगर पुष्पाउद्दीन हम लोग दे देते ब्याज पर ला के दोस्तों, तो क्या होता, हम लोग को दोस्तों पैसा जो हमें खुलवा रहा था ना दोस्तों उसका ही पैसा चला गया, तो बताइए हम लोग को क्या होता। तो दोस्तों ये हम लोग तो यूट्यूब थोड़ा बहुत एक्टिव है, तो थोड़ा जानकार ले लेते हैं पहले ही, कोई चीज़ करने से पहले हम लोग सर्च कर लेते हैं। और आप लोग भी कृपया यही कहेंगे दोस्तों कि कुछ भी अगर आप लोग को कोई भी कुछ भी कहे तो एक बार आप यूट्यूब पर जरूर सर्च कर ले, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि इतना बड़ा जंग छिड़ा हुआ है अपने यूट्यूब पर। हम इस पर दोस्तों वीडियो बनाने का नहीं मन कर रहा था, लेकिन क्या बताएं दोस्तों इतना तगड़ा वो हुआ पड़ा है ना, और मिडिल क्लास जो गरीब आदमी ना दोस्तों उसको अगर 1 रुपये भी चला जाता है दोस्तों उसको पता लगता है क्या होता है पैसे की कीमत। सारा दिन में 300-400 जो कमाते हैं ना, जो ईंट उठाते हैं, उनको पता होता है उनका कीमत क्या होता है, वो कहाँ से बंदा ला। और लेकिन जिसका चला जाता है ना दोस्तों वो क्या कहें, आदमी पैसे के लिए तो आदमी खुशखुशी तक कर लेता है। बस हम यही कहेंगे दोस्तों जो भी है अपने अपने जगह दोनों ठीक हैं, विवेक बिंद्रा सर भी अपने जगह भाई वो बिजनेस करते हैं, वो कर्स बेचते हैं, लेकिन जो लेगा एक बार सोच समझ के, उनका भी एक माइंड है ना दोस्तों कि आप लोग ऐसा पढ़ा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि आप खुद पैसे निकाल के दे दोगे, चाहे कहीं से मिला दो, समझ गए दोस्तों। अब कहीं से मिला के आप लोग उनको पैसे दे दोगे, ऐसा हाल है उनका। अगर आप कहीं उनका इवेंट में चले जाओ, आप लोग इतना करेंगे, आपको करोड़ होगा, बंगला होगा, गरीब होगा, ये होगा, आपको इतना दोस्तों दिखा देंगे ना कि आप सोचिएगा कि हम ये ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, लेकिन दोस्तों होता कुछ भी नहीं है। कहावत है, 1 रुपया जो मेन होगा ना मालक वो कमाएगा, 12 ना कमाएगा 58 कमाएगा, और जो 5 पैसा एक नया होगा ना उसको पारा कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों, समझ गए दोस्तों। बस हमारा शॉर्टकट में है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गलती किसका है। ठीक है दोस्तों, जल्द ही बढ़िया वीडियो बना के लाएंगे दोस्तों आप लोग के बीच। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक भाईचारा सबके लिए वीडियो एक बना रहे थे, गरीब आदमी के दिल से आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय कर दो।